हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स बैक इन आरती जी मेटा में रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इन फ्यूचर आप कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। आज मैं आप लोगों के लिए नींबू का अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ, खट्टा मीठा नींबू का अचार, जो कि बिना ऑयल के हम बनाएंगे। ये खाने में बहुत टेम्पटिंग लगेगा। ये मैंने अपनी सासू माँ से इंस्पायर होकर बनाया है, वो बहुत अच्छा अचार बनाती है, मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी इसे शेयर कर दूं। तो चलिए अब हम ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे और इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए हमने आधा के जी हमने नींबू लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो करके सुखा करके ले लिया है। अब हम इस नींबूओं को इस तरह से दो टुकड़ों में काट देंगे। और इसका हमें जो जूस है, रस जो है नींबू का, वो हम इसमें निचोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसका रस निकालना है, यानी कि 50%, पूरा इसका रस हमें इसमें नहीं निकालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बाकी नींबूओं का भी इस तरह से काट लेंगे उनको, और उनका इस तरह से रस हम निकाल करके रस को एक तरफ और नींबूओं को एक तरफ कर लेंगे। अब हम इन नींबूओं में नमक डाल देंगे। हाफ़ के जी हमने नींबू लिए थे तो इसमें हमें 3 चम्मच हमने ये नमक डाला है, बाकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके नींबू ज़्यादा खट्टे हैं तो आप 1 चम्मच नमक और बढ़ा दें। ये हमने 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल दिए और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। हाथ की सहायता से ही हमें ये पूरे नींबू का जो अचार एंड तक तैयार होगा, तो हमें हाथ की सहायता से ही इसे इस तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए, अब हम इसे एक डिब्बे में भर देंगे। इसे हम 7-8 दिन तक गलाने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसका जो छिलका है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम सारे नींबूओं को एक बड़े कंटेनर में भर देंगे, ताकि जब इसको हम उलट पलट करेंगे इसको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें इजीली हो जाए। और अब हमने जो नींबू का जो रस लिया था, तो उसके हमने उसको छान लिया है, और उसके बीज अलग और इसका ये जूस अलग कर दिया है। इसको भी हम कंटेनर में डाल देंगे। इस तरह से इसको फैलाते हुए हम इस कंटेनर में डाल देंगे। अब हम अपने नींबूओं को बार बार इसे देखते रहेंगे कि ये नाखून से या चाकू से किसी से भी आप इसे कट करके देख सकते हैं कि ये गले हैं या नहीं गले हैं। इसको बीच बीच में हम देखते रहेंगे, डेली एक बार हिलाना है इसको हमें। तो ये देखिए, नींबू अब गल के तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गले हैं। अब हम इस नींबूओं के अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, जैसे कि चीनी, काला नमक, कलौंजी, ये सब मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। पहले हम नींबूओं को एक बड़ी परात या थाली के अंदर डाल लेंगे, ताकि इसमें हम जब मसाला मिक्स करेंगे तो अच्छे से इसमें मिक्स हो पाए। कलर कितना अच्छा आया है हमारे नींबूओं का। अब हम इन नींबू के अंदर जो हमने मसाले लिए थे वो हम डालेंगे। ये मैंने कलौंजी लिए, 2-2.5 चम्मच हम कलौंजी इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से सब तरफ फैला करके हम इसे डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1.5 चम्मच हमने ये काला नमक लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे।
अब इसे हम चीनी डाल देंगे। ये हमने एक बड़ी कटोरी जो है चीनी की ली है। बाद में आप इसे टेस्ट करके देख लें कि इसमें चीनी अगर कम या थोड़ी बहुत अगर कम रह जाती है तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ये रहेगी नहीं, बट हाँ कम रहती है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें हाथ की सहायता से, ध्यान रखिएगा, हम इन्हें हाथ की सहायता से ही मिक्स करेंगे। चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। इस तरह से हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लास्ट में इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे। मिर्ची हमें लास्ट में ही डालनी है ताकि हाथों में जलन ना हो। वैसे नींबू है तो ये हाथों में बिल्कुल नहीं जलेगी, आपके हाथ इससे जलने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसे लास्ट में डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। नींबू का अचार तो हमारा बन करके तैयार हो गया है। आप इसे एक बार घर पे बना के ज़रूर 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 ट्राई करें और आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई बनाने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट संडे को 8 बजे मॉर्निंग में फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।